तो हाय गाइस, आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है जब हम एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट भर रहे हो। हाँ, मैंने क्योंकि कंसोर्टियम में इस बार हमसे कहा है कि 6 दिसंबर से काउंसलिंग, ऑब्वियसली काउंसलिंग के बाद ये सब होता था प्रेफरेंस लिस्ट नॉन, इस बार उन्होंने टाइम वेस्ट करने के लिए, बिकॉज बाई एम सेइंग सो, बहुत सारे बच्चे लास्ट 2-3 डेज सीसी में कन्फ्यूज हैं। उनके प्राइम टाइम जब उनको पूरा फोकस पढ़ना चाहिए, जीके करना चाहिए नॉन, इस पे जा रहा है। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ आ ऑफिशियल प्रोसेस फॉर अस गेटिंग टू टॉप कॉलेज, तो ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, व्हाई आई एम सेइंग दोस मिस्टेक्स, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में इतनी सारी क्वेरीज, सेम क्वेरीज जो मैं बताई हैं, उनके बेसिस पर प्रिपेयर्ड इसकी कौन सी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चों ने मुझे, ऑब्वियसली हर बच्चा मुझे अपनी प्रेफरेंसेस भेज रहा है बाय बिफोर सबमिटिंग, आप भी भेजना, कि यू नो आई एम सरप्राइज कि क्यों गलतियां कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज भैया, क्या सिर्फ मैं, मुझे तो सब Tier 1 कॉलेज चाहिए हैं। मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं ड्रॉपर हूँ, डबल ड्रॉपर हूँ, मुझे बस Tier 1 चाहिए, तो मैं सिर्फ टॉप 6 भर रहा हूँ, क्या चलेगा? नो, आंसर इज नो। तुम्हें Tier 1 चाहिए, तुम NSI बैंगलोर चाहिए, तो सिर्फ वो नहीं भरोगे, आपको सारे भरने हैं। फिल ऑल द लाइक एनएलयूज विच एवर यू वॉन्ट, ऑल एनएलयूज, 23 एनएलयूज, सारे भरो अपने प्रेफरेंसेस में, पहली चीज। दूसरा भैया, मैं Tier 1 में तो मन है कि मैं उड़ीसा में रहूँ, तो बटी तो उड़ीसा को फर्स्ट विजन रख दोगे? Tier 1, Tier 2 कॉलेज, Tier 3 कॉलेज, ये डिवीजन बहुत रेलिवेंट है आपके लिए, है ना? तो रेंडली Tier 1 पहले आएंगे, फिर Tier 2 आएगा, फिर Tier 3 आएगा, ठीक है? ये चीज जाना है। तीसरी चीज, डू नॉट रेफर टू द रैंडम लिस्ट। टेलीग्राम पे इतनी सारी लिस्ट यहाँ वहाँ घूम रही है, इस लिस्ट में हमने CMP ने बना के भेजी है, वो तो हमने ऑलरेडी, हमारे उसमें मार्क है, बुक मार्क है, सारी चीजें लगी हुई है, इसमें मेरा नंबर भी है, सारी चीजें हैं, उसको करना, या आप लीगली सी करना चाहते हो, या कोई कोचिंग जो रिलायबल है आपको लगता है। CMP ने बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके बनाया है, और मोस्ट रेलिवेंट है। मैं जब और कोचिंगों की लिस्ट देखा, वेरी सरप्राइज, कितने बड़े ब्लंडर कैसे कर सकते हैं। एक नया कॉलेज जो 2-3 साल पहले बना, उसको ऊपर रख दिया है, कुछ टॉप के कॉलेज हैं ऊपर नीचे कर दिया, ये गलती नहीं करना। तो आई नॉट सजेस्ट देम यू टू रेफर टू एनी रैंडम लिस्ट विच यू थिंक, क्योंकि ये रिग्रेट होगा ना बाद में, कॉलेज चेंज नहीं होंगे फिर, है ना? ये ध्यान रखना। चौथी चीज़ भैया, मैं तो मॉक स्कोर ही 40 आ रहा है, ये सारे स्क्रीनशॉट आपको नीचे दिख रहे होंगे, सेम क्वेरीज जो मुझे आई थी मैंने आंसर करके शेयर किया नीचे, मेरा तो मॉक स्कोर ही 40 आ रहा है, तो मैं Tier 1 तो मिलेगा नहीं, तो क्या सिर्फ मैं Tier 2 Tier 3 भर दूँ? तो इतना क्यों कॉन्फिडेंस, इतना भी अगर स्कोर इतना ही कम है तो कॉन्फिडेंस क्यों है Tier 2 मिल जाएगा, वो ही ना भरूँ? मजाक नहीं चल रहा है, आपको सारा भरना है भैया। मार्क्स ही नहीं है तो फिर क्लैट फॉर्म क्यों भरा? भरा तो है ना, कि विद होप कि होगा, तो Tier 1 में होगा ये भी होप से करो। मॉक स्कोर के बेसिस पे प्लीज डू नॉट थिंक कि हम प्रेफरेंस में क्या बने, प्लीज फिल ऑल द यू नो एनएलयूज। 6, भैया मैं जोधपुर से हूँ, क्या मैं जोधपुर को ऊपर रख दूँ? सेम क्वेरी मेरे पास आई थी। भैया मैं कोची से हूँ, क्या मैं एनएलयू कोची को ऊपर रख दूँ? भैया मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, क्या मैं शिमला को ऊपर रख दूँ? भैया मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, क्या मैं एचएमयू को ऊपर रख दूँ? आंसर इज नो, आप जहाँ से उस कॉलेज को ऊपर नहीं रखोगे, वाई गो टू टॉप कॉलेज, एंड आई बिलीव, आई एम फर्म बिलीवर, जितना सीखना था, अगर आप रायपुर से हो, अगर आप गांधीनगर से हो, भोपाल से हो, गो आउट ऑफ द सिटी, उस सिटी को जितना तुम्हें सिखाना था, तुम 12 साल में तुम स्कूलिंग वहीं से किए, सीख चुके हो, गो टू अ न्यू प्लेस, यू लर्न हेल लॉट ऑफ थिंग्स, पूरा एनवायरमेंट चेंज होगा ना, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे ना। इसके बाद भैया, पेरेंट्स कह रहे हैं ये भर दो, पेरेंट्स कह रहे हैं हम वहाँ नहीं जाने देंगे, पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये वाला कॉलेज बेटर है, हमारे चाचा जी रहते हैं वहाँ पे, वो तुम्हारे लिए पिकअप कर लेंगे, वहाँ रहो तुम, अप डाउन करना, तुम हमें बार घर आ जाना, तुम भोपाल चले जाओ रोज 300 किलोमीटर चल के आ जाना आना, क्या बातें हैं? प्लीज इग्नोर पेरेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वो सही सलाह नहीं दे रहे आपको, सिंपल सी बात है। और लास्ट, आई एम सेइंग सो, दिस इज हार्ड ट्रूथ, लास्ट ईयर कई सौ बच्चे हुआ लिटरली क्राइम, दे सेड कि भाई आपने तो प्रेफरेंस हमें दिया था, बट हमारे पेरेंट्स ने कहा, तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स की सुनता हूँ, गुरु से पहले पिता माता पिता आते हैं, अच्छी बात है, शास्त्रों में अच्छी बात है, मेरे लिए भी आते हैं, बट सजेशन तो सही लो, मतलब आशीर्वाद में बड़े हो सकते हैं, बट उस पॉइंट पे तो नॉलेज जिस पर्सन के पास है उससे पूछो, एक्सपीरियंस वाले से, उनका तरीका अलग है, दिल थिंक बेटर ऑफ यू, ठीक है भाई कॉलेज पास है भोपाल से, तो हम बच्चा पास होगा, ऐसे नहीं देखो, पेरेंट्स की एडवाइस तभी लेना, इसलिए पेरेंट्स ज़्यादा फोर्स करते हैं, जो परफेक्ट दिए भर के छोड़ दो, बोला हमने तो भर दी, एक कॉलेज से बस सिलेक्शन हो जाएगा। भैया मैं A-LIT नहीं दे रहा, पेरेंट्स दिल्ली नहीं जाने देंगे, तो हम दिल्ली बंद करा दें, या हम ऑल मेल करते हैं, लाइक वहां पर भी मेन कोटा हटाई दें, ऐसी बात है, दिल्ली में IIT दिल्ली में लड़कियां नहीं जा रही क्या? IIMS दिल्ली में लड़कियां नहीं जा रही होंगी क्या? क्या बातें कर रही हो? तो विमेन नहीं रहनी, डेढ़ इतनी 1 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की, रह रहे ना, यू नो थिंक कि एक बार क्लियर हो गया ना, भैया पेरेंट्स नहीं साउथ में जाने देंगे, एक स्टूडेंट का टेक्स्ट है, साउथ में भी पेरेंट्स नहीं जाने देंगे,
तो रहने देते हैं एनएलसी बैंगलोर, मेरे ख्याल से नॉर्थ में तो नहीं आता है वो, है बैंगलोर जाने देंगे अगर डीएसएम नहीं जाने देंगे, ये क्या बात हुई? तो पेरेंट्स इफ यू आर वॉचिंग दिस प्लीज बी वेरी रीजनेबल इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी जिद आपके बच्चे के 5 साल वेस्ट कर सकती है, लास्ट ईयर काफी होंगे किए हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, आपकी वजह से हम हैं, आपके आशीर्वाद से हम हैं और आपके बच्चे अच्छा करेंगे, बट जिद मत ठानना आप यहाँ पे, हम्बल रिक्वेस्ट है, आपकी जिद लास्ट ईयर कई बच्चों को हार्म किया था, एक बच्चा जो जीएनएलयू जा सकता था ही वाज हैविंग रिजर्वेशन और गया जा रैंक, उसके पैसा फर्स्ट लिस्ट में ही, उसे कहा था सीएनएलयू मिल गया, पटना मिल गया, लॉक कर दो यहीं रहो रायपुर पटना में, वो बच्चा जीएनएलयू जा सकता था, हमने उसको भेजा है, हम उसे पेरेंट्स से लड़ गए थे आप कर क्या रहे हैं, बच्चे के पास रिजर्वेशन था ओबीसी कैटेगरी रिजर्वेशन था, आई सेड कि भाई उसका रैंक था 1500 कुछ, मैंने कहा उसे फर्स्ट लिस्ट में ही टेक, उस बच्चे को हमने गाइड किया है, सीएमपी में था पर्सनली हमने उसको गाइड किया है, पूरे 1 साल 6 महीने में गाइड करके उसको क्लियर कराया, 1500 रैंक का, अगर नॉर्मल रैंक से ही मिलता रिजर्वेशन था, तो मैंने कहा यार लास्ट ईयर मेरे ख्याल से सीनियर मिलता, तो मैंने कहा आप अपग्रेड करते रहना, आप अपनी इतनी बात नहीं होती थी ना बार बार की इतने सारे बच्चे थे, ही टेक्स्टेड मी, आई जस्ट टेक्स्टेड मी की बड़ी, मुझे याद था उसका रैंक, आई टेक्स्टेड मी की बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन जीएनएलयू में हो गया होगा लिस्ट, ही सब भी लिस्ट में नाम नहीं है, मैं क्यों नहीं ही सब भी, मैंने तो लॉक कर दिया था, मेरी नीचे से जमीन खिसक गई थी, एक बार आप कॉलेज अगर लॉक कर दोगे ना तो कॉलेज से मूव नहीं होगा, इसलिए कीप अपग्रेडिंग, मुझे पटियाला मिला था, मैं पटियाला क्यों लूँ जब मुझे आर्मेलियो मिल सकता है, मैं आर्मेलियो क्यों लूँ, मैंने आर्मेलियो के बाद एचएनएलयू मिला, एचएनएलयू के बाद मैं दोबारा अपग्रेड किया तो मुझे एनआई भोपाल मिल गया था डोमिसाइल से, उस साल डोमिसाइल सारे हटा दिए गवर्नमेंट ने, वापस एचएनएलयू आ गया, मैं फिर अपग्रेड किया मुझे जीएनएलयू के लिए, दो रैंक से रह गया मेरा, दो रैंक रह गया मेरा, एचएनएलयू फाइनल हो गया, मैं फिर भी कोशिश करता रहा, 1 महीना 2 महीने 2.5 महीने के बाद वैकेंसी सीट्स निकली थी, 2.5 महीने के बाद 2 वैकेंसी क्लियर हुई थी और मेरा एचएनएलयू हो गया था, अगर मैं लॉक करके बैठ जाता मेरे लिए पास मेरे पेरेंट्स ने प्रेशर नहीं दिया मुझे, ये चीज ध्यान रखना ठीक है। नौ, सातवीं मिस्टेक, भैया इस कॉलेज में रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, मैं ये भर दूं मुझे जल्दी मिल जाएगा, बड़ी जो मिलना है वो रैंक से मिल जाएगा आपको, आपके ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होगा, अगर भैया मुझे जीएनएल चाहिए ओबीसी रिजर्वेशन वहां सबसे ज्यादा है, 100 कुछ सीट्स हैं, 80 कुछ सीट्स हैं, लास्ट ईयर मेरे भैया ने बताया था उन्हें भी मिला है, अच्छी बात है, तो आपके एनएलसीआई अगर ऊपर रखोगे नालसा रखोगे एनएचएस तो क्या जीएनएल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा, आप मैं तो कह रहा हूँ ओबीसी से आप जाओ, आपके पास ओबीसी रिजर्वेशन है अगर 357 या 347 रैंक, हमने लास्ट एक बच्चे को भेजा इसको हम पर्सनली गाइड करते थे, 93.5 मार्क्स आए थे, गया वो एनएलसीआई बैंगलोर, तो गलत जीएनएल, आपने अगर जीएनएल भर दिया ऊपर फिर नहीं मिलेगा आपका एनएलसीआई बैंगलोर, ये गलती मत करना, टेक एग्जाम्पल एक बच्चा था ही सर भैया टॉप के 3 भर देता हूँ मैं एनएलएस नालसा जैसे आपने बोला है, उसके बाद तो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप पहले भरो आर्मेल्यू, 34% आर्मेल्यू भरा, 5वें पे फिर देखा लखनऊ से शताब्दी चलती है अमृतसर की पटियाला भर दो, ऐसे तो पेरेंट्स सजेशन देते हैं, मैं क्या करूँ, तो हम जहाँ अगर रेल ट्रेन नहीं चल रही तो क्या नहीं छोड़ दोगे, नहीं नहीं चलो यहाँ से दिल्ली पास पड़ता है तो अपन ठीक है यहाँ से हाँ हिमाचल भर देते हैं, ऐसे डिसाइड होंगे कॉलेज, मजाक कर रहे हैं क्या, आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द क्वेरीज आई एम गेटिंग, या 12th क्लास स्टूडेंट या ड्रॉपर, 2 लाख रुपए आपने जब कोचिंग में दे रहे थे 1 लाख तब नहीं सोचा और अब इतने मतलब तब सोचा होगा, अब तो सोचो, अब तो इनली जाने की बारी आई है राइट, तो ये गलती मत करना कि ये है ना, अब उस बच्चे ने क्या किया, उसकी रैंक थी 431 या 429, अब टॉप 3 मिलेंगे नहीं, कौन सा कॉलेज मिलेगा, जीएनएलयू एनआई भोपाल और जोधपुर मिल सकता है बट वो भरा नहीं है, तो आर्मेल्यू कहाँ जाता है 800 पे, तो आर्मेल्यू वालों को 400 वाला बच्चा मिल गया फंस गया वो तो क्यों नहीं लेंगे, वो ले लिया उन्होंने और बंदी को लॉक करा दिया, अब वो कहीं नहीं जा सकता, आर्मेल्यू है बट वो वापस नहीं आ सकता, एक लास्ट एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बच्चा था देवेश दुबे ठीक है, उसके पेरेंट्स जेद पे थे, पेरेंट्स वर सेइंग कि और सीएमपी के स्टूडेंट था वो 300 मतलब ही वॉज लाइक, अगर मैं किसी के साथ अटैच होता हूँ ना, अगर किसी को मैं मेंटर करता हूँ ना एक दिन से, या तो मेंटर करूंगा नहीं करूंगा तो डे 1 से डे के खत्म होने तक, डे 1 ऑफ क्लैट प्रिपरेशन से क्लैट्स की सिलेक्शन आई विल बी स्टैंडिंग विद यू, क्लैट के बाद भी दैट्स व्हाट आई एम, या तो मैं गाइड ही नहीं करता या करता हूँ तो आई विल बी कंप्लीटिंग गाइडिंग यू पर्सनली, पहला उसको मिला था निर्मा, ही ज्वाइन द निर्मा कॉलेज 2900 रैंक के साथ एज अ फ्रेशर, आई सेड टू छोड़ दो, ये सिर्फ भैया फ्रेशर हूँ नहीं हुआ अगले साल, तो मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दो,
भरोसा इसे ठीक है भी आप कह रहे हैं छोड़ देता हूँ, इसके स्कोर 70 आया था। मैंने कहा तो बहुत पॉसिबिलिटी है इस स्कोर से अपन बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अगले साल चले जाना और क्या है, अगले साल यहाँ चले जाना, मैं ड्रॉप है ले लो हीट होकर ड्रॉप, कम टू भोपाल, कम टू जबलपुर, जबलपुर का था वो, टेक सम कॉलेज इन जबलपुर, कोचिंग कोचिंग ले लिया जबलपुर में, मैंने छुड़वाया। उन्होंने कहा क्यों यार सब सारी चीज़ें ठीक है भैया, कौन सी कोचिंग, मैंने उस कोचिंग सजेस्ट की, इवेंट टू द कोचिंग, कोचिंग ने पूरा किया, पूरे क्लियर 70 मार्क्स वाले बच्चे को 121, 109, 115 तक मार्क्स को लेके आए हैं, उसके देवेश दुबे के स्कोर आपको ग्रुप पे मिलेंगे। उसके बाद मुझे पता था एग्जाम डे होता है फ्लक्चुएशन, है ना, आप लोग पहली बार देखोगे ना भैया पहली बार क्लियर दे रहे हैं, अरे हम तो खुद दे चुके हैं, 2 बार खुद दिया है, फ्रेश एज ए ड्रॉपर दिया है, दोनों बार दिया है, 5 साल देखा है बच्चों को आते हुए, 3 साल से खुद दिला रहे हैं क्लैट। मैंने कहा कि फ्लक्चुएशन होता है, 100 स्कोर आ रहा है, 102, 105 आ रहा है, अच्छी बात है, एग्जाम में हो सकता है 10 मार्क्स गिर जाए, आर यू रेडी, ये ठीक है भाई 115 से 10 गिरेगा तो 105 बचेगा, मैंने कहा 20 भी कर सकते हैं, वो तो क्या कर रहे हो भैया, हमने कहा तो बचेगा तो 95 बचेगा, मैं 30 भी कर सकता है, वो तो भैया ये तो हद हो रही है, ऐसे आर यू रेडी, लाइक एडविन अटेम्प्ट्स आर यू रेडी, आर यू डू नो कि नेगेटिव पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपका 20 नेगेटिव हो रहे हैं मॉक में, क्यों हो रहा है बड़ी, इस मॉक को आप 20 बार दे चुके हो, इसी टाइप के सीएल की 20 मॉक दे चुके हो, आप आदत होगी आपको, मैं ऑन द सीरियस नोट आई एम सेइंग कि आपके करंट का मार्क्स को जो आ रहा है ना, दैट मे नॉट बी रिफ्लेक्टिंग योर द राइट राइट लाइक योर एग्जैक्ट प्रिपरेशन, वाई एम सेइंग सो, 20 मॉक दे चुके आप सीएल के, यू आर कंफर्टेबल राइट, आपको पता है कहाँ से देते हैं वो टॉपिक, कौन से लेवल आता है, आप कंफर्टेबल हो, तो आपके मार्क्स आपकी नॉलेज ही नहीं आ रहे, आपके कंफर्टेबल होने के आ रहे हैं, एली में भैया 100 100 लगा रहा है भाई, तू 20 मार्क दे चुका है एलपीटी के, तो 20 मार्क दे चुका है सिर्फ हर कोचिंग जो भी कोचिंग के हैं, बिकॉज अगर आपने 20 क्लैट दिए हैं क्या वो उसी दिन दोगे राइट, वो 18 को ही होगा जो होगा, 3 तो पेपर बस अवेलेबल है उसके क्लैट के, हर साल का अलग अलग पेपर, तो क्यों नहीं होगा फ्लक्चुएशन, ये चीजें आप जानो ठीक है, चीजों को इतना हल्का नहीं है चीजें। हमें ध्रुव मौर्य का पता है एग्जाम्पल, 106 आते थे एग्जाम डे 93 आए, देवेश दुबे 114 115 वाला एग्जाम 93 आए, 93 वाले 90 वाले बच्चे 70s पे गिरे थे काफी सारे, आई एम नॉट सेइंग आप भी करोगे, आई एम सेइंग कि आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट, आपका प्लान है कि नहीं है, है ना, दैट्स इट, इसलिए दैट्स व्हाई क्रिएटेड ये, आई थिंक रिसेंटली ये सबके साथ ही आई, जो अभी हमने सबको अपने ग्रुप पर अपलोड किया ना कि हम एग्जीबिशन प्लान देने वाले हैं, हमने देवेश को सिखा के भेजा था कि भाई एग्जाम में कुछ भी हो ये करना कि जोधपुर तो चला जाए कम से कम, हुआ उसके साथ, और ही वेंट टू जोधपुर 315 रैंक के साथ, आपको देवेश के साथ क्या हुआ, ही वेंट टू जोधपुर ठीक है, अब उसको प्रेफरेंस लिस्ट जब भरने की बारी आई, पेरेंट्स वर सेइंग कि नहीं नहीं भोपाल जाओ भोपाल जाओ, मैंने उसको जोधपुर भरा क्योंकि जोधपुर इज बेटर देन जेएनयू एंड एलआई भोपाल एट एनी पॉइंट टाइम ठीक है, अब ही गॉट सिलेक्टेड इन जोधपुर, एंड देन देयर पेरेंट्स कि नहीं हमें तो भोपाल ही बुलाना है, उसका जोधपुर था 4th पे, भोपाल था 5th पे, अब वो नीचे नहीं आ सकता, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड नहीं कुछ नहीं, ऊपर नहीं गया नीचे, वही एग्जाम फाइनल हो गया, 1-1.5 महीने के बाद वैकेंसी निकली भोपाल में, तब वो आ पाया, तो एक गलती आपको इतना हार्म कर सकती है ठीक है, तो ये मत करना, टॉप 4 चेंज मत करना, एसआई बैंगलोर से नालसार फिर एनयूएस कोलकाता और फिर एन जोधपुर, ये श्योर है इनको चेंज मत करो, आप जोधपुर जी मैंने तो 4th 5th पर रखा है एनआई भोपाल, 6 पर रखा जे एन एल यू, मेरा तो पैरामीटर है, मैंने रिसेंट के इन देखा है डेवलपमेंट उस हिसाब से मैंने अलॉट किया है, आपको लगता है कि ऊपर नीचे आपकी चॉइस, बट रीजनेबल चॉइस लेना ठीक है। अब 10th पॉइंट है भैया मुझे तो जज बनना है, मैं क्वेरी आई थी मुझे जुडिशरी करना है, तो मैं तो सीएनएल ऊपर रख रही हूँ, मैंने सुना है जुडिशरी का कल्चर वहाँ पे अच्छा है, भैया मुझे लिटिगेशन करना है तो भोपाल रख दूँ, ये कैसी क्वेरी है आपसे, देखिए मैं क्लियर मेंटर हूँ, मैं आपको हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे कि हाँ हाँ हो, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तुमसे, खुद का मॉक सिक्वेंस फाइनल नहीं हो रहा अभी, प्रैक्टिकल तो ये है ना, तुमसे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मॉक कौन सा है, आपसे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि एनएलयू कौन सा रखें ऊपर नीचे, और आप बोल रहे हो हमें जज बनना है, अरे भाई जो चीज़ तुम्हें 5 साल करनी है ना, 5 साल जहाँ रहना है वो एनएलयू फाइनल नहीं कर पा रहे हो, प्रेफरेंस में अभी तो मिला भी नहीं है, और आप कह रहे हो जहाँ कैरियर के साथ 50 साल रहना है, वो औरों के सपने उनको खुद की आंखों से देखने दो, चाहे वो रिलेटिव हो पेरेंट्स हो उनकी, डू नॉट टेक देयर प्रेशर कि नहीं जज बनना थी, बट तूने देखा भी जज कैसे काम करता है, एनएलयू क्यों जा रहे हो, यही तो सीखने जा रहे हो, 2 साल तक कुछ नहीं डिसाइड करोगे आप क्या बनोगे, आप वहां इंटर्नशिप करोगे तब सीखोगे, मैं जुडिशरी सोच के गया था 1 साल के बाद चेंज हुआ प्लान, दूसरे साल कुछ और सोचा फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, होगा
योर जनरेशन मिलेनियल जनरेशन विल चेंज कैरियर्स, तो अभी जुडिशरी के हिसाब से कॉलेज डिसाइड मत करना, अभी लिटिगेशन के हिसाब से कैरियर डिसाइड कॉलेज डिसाइड मत करना। टॉप के कॉलेज जाओ, ऐसे ही बैंगलोर जाओ, वहां से जुडिशरी भी होगी, वहां से यूपीएससी भी होगा, लिटिगेशन भी होगी, कॉर्पोरेट भी हो, सब होगा। जोधपुर जाओ, वहां से सब होगा। टीयर थ्री कॉलेज मैंने शिमला चले गए, डिफिकल्टी हो सकती है, प्लेसमेंट में डिफिकल्टी हो सकती है, और सारी चीजों में हो सकती है। अरे जुडिशरी करना तो कैंसे बैंगलोर वाला नहीं करेगा। मेरी सीन मेरी सिस्टर एच एन रायपुर से थी, वो प्रिया राठी थी, उन्होंने रैंक 1 लाई है एमपी जुडिशरी में। वो सोचती है नहीं मैं सीने ले जाऊँ, ऐसा तो नहीं किया ना उन्होंने। प्लीज बी वेरी केयरफुल। ओके, इसके बाद अगर हम देखें 11 पॉइंट है, हाँ वही एलएसआई और एक और है नालसा। एक ने पूछा भैया एलएसआई बैंगलोर का प्रेशर बहुत है, मैं नालसा प्रेफर कर दूँ, तो क्वेरी पढ़ के तो लग रहा है कि एलएसआई बैंगलोर तो मैं मिल गया है। पहली बात है मिला नहीं है, ठीक है, ये बस प्रेफरेंस मांगी गई है आपसे, पहली बात तो प्रैक्टिकल रहा हूँ। प्रेशर कहाँ नहीं है, तो क्या प्रेशर के चक्कर में कॉलेज छोड़ दूँ? एलएसआई बैंगलोर नालसा में अंतर है, क्लियर अंतर है, और आप पहले व्यक्ति नहीं हो। अभी तक में पिछले 20 साल 30 साल में जब से क्लियर हुआ, मान लो 12-15 साल तो हो गए होंगे, तब से जिनकी भी 1 से लेकर 100 रैंक तक आई है, 99% बच्चों ने एलसी बैंगलोर लिया है। 2021 में एक लड़की थी 24 रैंक जिसने ले लिया था, गलत डिसीजन था वो, चॉइस है उसकी, ठीक है, अप्रिशिएट है। एक बच्चा जिसकी 27 रैंक थी, उसने एमएलए मुंबई ले लिया था, जो भी रैंक थे, गलत डिसीजन है, एब्सोल्युटली गलत डिसीजन है। मुंबई और एलसी बैंगलोर कहाँ है? आज से एक लड़की है सीटोक लेक्सिको सीएमपी बेसिस में, बट सी हैड सम मेडिकल सी ही हैड सम इश्यूज बिकॉज ऑफ व्हिच शी डिसाइडेड टू गो फॉर नालसा, ठीक है, बट वो भी डिसीजन गलत था, है ना। आप कंफर्टेबल हो जाओगे उस प्रेशर में भाई, और सो कंसर्न अबाउट इट। तो प्रेशर के कारण कॉलेज डिसाइड मत करना। 12th भैया मुझे BBLLB करनी है, मैं कॉमर्स से हूँ, तो मैं तो बस वो NLU लेना चाहता हूँ जो BBLLB देते हैं। अरे पागल है क्या? अगर इतने ही कॉमर्स का था तो लोग क्यों आया, CA CS क्यों नहीं गया? ऐसे डिसाइड नहीं होगा। 99% NLU जो है इस पॉइंट पे BLLB कराते हैं, ऐसे ही बैंगलोर BA कराता है, BLLB नालसा, जोधपुर में है BBLLB और गांधीनगर में है, तो क्या इनको जो ना ऊपर रख देंगे अपन NLS नालसा छोड़ के? तो ये डिसीजन का क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है। जैसे वो नहीं था, कौन सी मूवी थी, अरे वो अलग अलग गोला से आया था, नाम ही नहीं आया, जस्ट कमेंट बिलो बंदे ने, ही सेड कि रॉन्ग नंबर है। तो वैसे जब मैं क्वेरी देखता हूँ ऐसे ये रॉन्ग नंबर है, लाइक दिस इज समथिंग रॉन्ग, लाइक व्हाई आर यू पुटिंग दिस प्रेफरेंस और समथिंग, ठीक है, चलो आई एम दैट रॉन्ग नंबर करेक्टिंग यू। ओके, इसके बाद 13th है एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, सो वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, है ना। इसके बाद हाँ, जो काउंसलिंग आपकी होगी यू हैव टू वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस, और आउट ऑफ द फियर मत भरो, फियर के उससे कि हमें तो इस सिटी जाना है इसका फियर है, चार्म से मत जाओ, है ना, अच्छा कॉलेज तभी जाओ। और अगर डिसाइड करना है, डिसाइडिंग का फैक्टर है डाटा, हमेशा डाटा पे बात करो यार, लॉयर बनने वाले फैक्ट पे बात करो। मैं कोई भी चीज बिना फैक्ट के नहीं कहूंगा, इसलिए पूरे NLU जो भी NLU हैं आपके पास, हर NLU का डाटा लास्ट 2-3 ईयर का प्लेसमेंट हमने ग्रुप पे शेयर किया है। इफ यू डोंट हैव प्लेसमेंट डाटा ऑफ NLC बैंगलोर टू जो भी नीचे तक कॉलेज है सबके, टेक्स्ट मी, आई विल सेंड द लिंक, प्लीज गो थ्रू दिस लिंक, दैट विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। अब 16th पॉइंट है काउंसलिंग ग्रुप, ये सारी क्वेरीज कहाँ पूछोगे? वीडियोस में रोज जो ना बनाऊंगा, ये बना दिया, आप आगे क्वेरी ग्रुप पे पूछो या DM करो, ग्रुप पे पूछो ईजी। तो CMP का अगर आप काउंसलिंग ग्रुप का पार्ट नहीं हो, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, भैया दिस इज व्हाट्सएप नंबर, आई विल सेंड यू, पहली चीज। दूसरा, एज आई टोल्ड यू अबाउट द एग्जीशन प्लान, द 15 डेज प्लान लास्ट, एंड CMP MITs, MITs में हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं आपको, काइंड ऑफ एंड ऑल की। तो मास्टर पैच 1000 का बैच है, और आगे भी पर्सनल गाइडेंस जरूरत पड़ेगी, काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी, क्लियर डेली टाइम है, बहुत सारे एंट्रेंसेज हैं, सबके लिए हम पर्सनली गाइड करने वाले, तो ज्वाइन द मास्टर बैच। थर्ड, CMP की जो प्रेफरेंस है सबके पास अवेलेबल है, होपफुली नीचे तो यहाँ मैं शो ही कर रहा हूँ इस वीडियो में, टीम को बोल दूंगा एडिट करने के लिए, बाय चांस नहीं है तो टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू द प्रेफरेंस लिस्ट, और प्लीज डू नॉट फाइनलाइज द प्रेफरेंस लिस्ट विदाउट हैविंग कन्वर्सेशन, बिकॉज गलती करोगे बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप, अगर CMP के जो क्लैट के व्हाट्सएप ग्रुप है अगर उसका पार्ट नहीं हो, प्रॉपर टैक्स, और एनी अदर क्वेरी मॉक स्कोर को लेके, कॉलेज को लेके, भैया मुझे निर्मा का फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, LSAT का फॉर्म भरना नहीं चाहिए भरना चाहिए, सब क्वेरीज टेक्स्ट मी व्हाट्सएप, आई विल बी गाइडिंग यू फॉर अ मॉक्स इंप्रूवमेंट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी इन अ टॉप कॉलेज, आई वुड बी हैप्पी कि आपके पास भी ऐसी रिजल्ट सी हो, बिकॉज ये बहुत सही है, बहुत कूल लगती है। लाइक आई विल शो यू, दिस इज माई लाइक नंबर एज वेल, समथिंग लाइक बैच ऑफ 2020 और क्लैट, नहीं क्लैट तो नहीं लिखा, या CMP लिखवा लें, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, बट
नॉट जस्ट फॉर द जर्सी, गो फॉर अ कॉलेज बिकॉज एक कॉलेज इज बेटर है ना, नॉट जस्ट बिकॉज कि कूल है. मुझे नहीं लगता, मैं आई वॉज समबडी वेरी नॉन सीरियस इशू है, नॉन हार्ड वर्क, दिन का 1 घंटा नहीं पढ़ता था. आप लोग भी 16 घंटे 16 घंटे का काम कर रहे हैं, तो अच्छे कॉलेज में जाओ. अगेन रिपीट, माई टैग लाइन है सेम, अच्छे कॉलेज की वैल्यू आपको एक खराब कॉलेज में आपको पता चलेगी. इस स्टेटमेंट को रियलिटी मत बने देना, दैट्स माई फाइनल पॉइंट फॉर यू. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. वुड बी हैप्पी टू वेलकम यू इन द एनएलई फैमिली, बिकॉज वैन यू एंटर टॉप कॉलेज यू अंडरस्टैंड कि आप बहुत सारी क्राउड जो 5 साल के बाद कॉम्पिटिशन फेस करेगी, स्ट्रगल, आप उस सारे कॉम्पिटिशन से बच सकते हो. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. आगे की कोई भी डिसीजन, चाहे वो कॉलेज को लेके हो, चाहे वो ड्रॉप को लेने के, भैया ड्रॉप ले लें क्या, उसको लेके हैं, डबल ड्रॉप को लेके हैं, कॉलेज सिलेक्शन को लेके, सारी चीज़ें हैव अ कन्वर्सेशन, बिकॉज या तो कोई और है, बिकॉज कोई नहीं है, सब कोचिंग का काम है जो हम कर रहे हैं, सब कोचिंग, कोई नहीं करता है कोचिंग का काम. क्या कोचिंग आपकी करेक्शन, ये मिस्टेक ढूंढ के लाएगी कोचिंग? हम लाए हैं, हमें तो लगता है कि नहीं यार, हम भी बच्चे ही थे 5 साल पहले, हम मेंटर नहीं है, हम बिग कोच नहीं है, बिग कॉपी नहीं है, तो यार वी आर देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम टू गाइड स्टूडेंट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. थैंक यू सो मच. इफ एनी पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस, इफ दे वॉन्ट टू हैव एनी कन्वर्सेशन रिगार्डिंग कॉलेज, और कि भैया इफ एनी 23 ईयर्समैन 24 ईयर्समैन इज वॉचिंग, आई नीड सम हेल्प और समथिंग, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट. 24 के लिए अलग सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, विल बी गाइडिंग यू फॉर द मार्क्स स्कोर इंप्रूवमेंट एंड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज क्लैट इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, क्लैट इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो, रोना भी आता है क्लैट में, हर चीज़ आती है इस प्रिपरेशन जर्नी में. आप फंसे भी होगे, खुश भी हुए होगे, बिकॉज अब जर्नी थोड़ी एंड पे आ रही है, तो थोड़ा सा वो वाला स्टेटमेंट देना कि इस जर्नी में होपफुली आप अच्छा अच्छा रहा होगा, पार खुश भी हुए होगे मॉक स्कोप को देख के, रोए भी होगे, दुखी भी हुए होगे. इस जर्नी ने आपको पीक भी दिखा दिए, लो भी दिखा दिए, सारी चीज़ें दिखा दी होंगी. आप नए सिटी शिफ्ट हुए होगे, आपने नए दोस्त बनाए होंगे, होपफुली गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं बनाया होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा, या तो किसी एक का हो गया ना, तो लाइफ टाइम दुख होगा. प्लीज बी वेरी केयरफुल, मेरी वो रील आने वाली है अकेली में. चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और CMP टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे, आप ज्वाइन कर लेना, उस पर हमने रेगुलर वीडियोज हम सेशन देते रहते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, के साथ आगे होने वाली है. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, शपा खैर, टेक केयर, शपा खैर होता है क्या बोलते हैं, बाय.